मैं सुजीत कुमार मिश्रा, बिहार में एक दरभंगा जिला है, उसी में एक गाँव है मुरैठा करके, वहीं का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा बैक का पेन था, बहुत सीवियर पेन हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ। होम्योपैथी एलोपैथी कौन कौन सब कराया, फिर MRI कराया। वहाँ के सभी सर्जन का कहना था कि भाई यू डिजर्व सर्जरी। फिर डॉक्टर रावल साहब ने कहा कि आप हमको भेजिए MRI वगैरह। फिर हम लोगों ने भेजा उनको, फिर मैं 7 तारीख को आया यहाँ। सुजीत जी को लंबर केनाल स्टेनोसिस नामक परेशानी थी, जिसके साथ में उनको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी था, जिस वजह से उनके कमर में नसें दब रही थी, जिस वजह से उनको दोनों पैरों में बहुत ज़्यादा सायाटिका का दर्द था, और बिल्कुल 5 से 10 मिनट चलना या खड़े होने पर ही उनके पैरों में सुनपन झंझनाहट आने लगता था, जिसकी वजह से वो बैठने के लिए जगह खोजते थे। हमने सारी टेस्टिंग करके जब MRI वगैरह सब कराया तो उसमें पता लगा कि उनकी कमर में परेशानी जो है वो काफ़ी सिवियर है, और हमने उनको यही समझाया कि ये दवाइयों से फिजियोथेरेपी से ठीक होना मुश्किल है, क्योंकि परेशानी ही ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उनको सारा कुछ समझाने के बाद में हमने उनको एडमिट किया और स्पाइनल डीकम्प्रेशन एंड फिक्सेशन सर्जरी हम लोगों ने उनकी करी। डॉक्टर रावल इज सुपर फाइन मैन, वेरी जेंटलमैन, नोबल मैन। उन्होंने बहुत सहारा दिया, बहुत डर लग रहा था हमको। हमको उन्होंने कहा है जो कि 1 अप्रैल को आपका नॉर्मल लाइफ हो जाएगा। By the grace of God, सर्जरी काफ़ी अच्छी रही और उनकी प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सर्जरी के बाद आज दूसरा दिन है और वो अपने पैरों पर खड़े होकर हमने उनको ऑलरेडी खड़ा करना, चलाना, ये सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर रावल एंड अलॉन्ग विद द सिस्टम ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। यहाँ जो है बहुत अच्छा फैसिलिटीज भी है। तो यदि आपको लंबर केनाल स्टेनोसिस या स्पाइन की और कोई परेशानी है भी, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 95% केसेस में दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। और यदि इन सब चीज़ों से आराम ना मिले तो आप अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, और यदि ज़रूरत हो तो स्पाइन सर्जरी कराने में कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से इस सर्जरी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, रिकवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है और पेशेंट्स 3 से 4 हफ्ते में अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ पाते हैं। यदि और भी इस विषय में आपका कोई सवाल हो तो आप हमें WhatsApp पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।